सबको नमस्ते। आवाज मिल रही है? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मीडिया से संबंध सर, इसमें इसमें दो ही मीडिया यूज करते हैं ना सर, अपना कॉर्ड कॉर्ड केबल और ओएफसी। तो दो ही तो हमारे पास है, तीसरा कोई मीडिया है क्या? हमारे पास रेलवे में भी सर मीडिया इसमें है। ब्लैक फाइबर भी सुनने में आता है, ब्लैक ब्लैक फाइबर में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूज कर रहे हैं। वो भी। अब वो ब्लैक फाइबर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है, थोड़ा मुझे नर्व करने दीजिए, फिर बता पाएंगे। ब्लैक फाइबर एक्चुअली है क्या और किस मकसद से उसको यूज किया? फाइबर तो हम जान रहे हैं, सिक्स सर डाल दिया ओएफसी हम जान रहे हैं, सिक्स क्वांट जान रहे हैं, माइक्रो सर, भी मेरा जान नेट रहे हैं। सही नहीं आ रहा है तो मैं बात। जी आपकी आवाज बहुत कट जा रही है बीच बीच में। तो ब्लैक फाइबर, मैंने नाम पढ़ा, इसको एक एरिया ब्लैक नेट फाइबर भी सही नहीं आ रहा है समझा जाता मैं। है। हेलो हेलो, हाँ सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ जी ओके। नेटवर्क गड़बड़ होगी, नेटवर्क गड़बड़ हो रही होगी आपकी लगता है। हाँ सर, बीच बीच में आवाज नहीं समझ में आ रही, तो चलिए, नहीं मैं बता रहा था ना कि सर ब्लैक मीडिया के फाइबर, बारे में थोड़ा जानना था। मीडिया के बारे में अभी तक मेरी जानकारी में जो मीडिया है, एक तो ओएफसी है, दूसरा सिक्स क्वाड है, ठीक है। माइक्रोवेव पे हम ये सब इक्विपमेंट चलाते नहीं है। जी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने एक तीसरा मीडिया का नाम लिखा है ब्लैक फाइबर। तो इस ब्लैक फाइबर में थोड़ी लर्निंग कर लेता हूँ, फिर आप लोग को ब्लैक फाइबर के बारे में बताऊंगा। फिलहाल जी जी फाइबर सर ओके बोलते हैं उसको, ये फ्रॉशर सर, वाला यहाँ लगा रहे हैं सर, हमारे यहाँ डाल रहे हैं नया, उसमें ये बोल रहे हैं एंड टू एंड, एंड टू एंड का मतलब नहीं समझे। मतलब सीधा बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं होगा, सीधे आपका ईवन जो है वो सीधे आपके इक्विपमेंट में जाएगा। नहीं, ईवन चैनल दिया है ना सर, उसमें ईवन उसमें चैनल सर डायरेक्ट नाम दिया उसमें। आ जाए, डायरेक्ट जाएगा सर वो फाइल। ईवन चैनल का मतलब होता है कि आप 2 MBPS का डाटा को डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भाया मीडिया की जरूरत नहीं है। आपके एसटीएम टू एस जो मक्स, पीडी मक्स भी आपस में कम्युनिकेशन करता है, वो ईवन ही करता है। एसटीएम टू जो आपका यूटीएस पीआरएस फंक्शन करता है, थ्रू ईएम ही करता है। एसटीएम टू जो वॉइस फंक्शन करता है, वो थ्रू ईवन ही करता है। एसटीएम टू आपके घर में अगर रेलनेट लगाएगा डायरेक्ट मॉडम लगा के, तो थ्रू ईवन ही करेगा, ठीक है। एसटीएम टू आप ये लगाते हैं जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, आईपी डिस्प्ले, वो भी थ्रू ईवन ही करता है, ठीक। ईवन जस्ट एक पोर्ट है, उस पोर्ट के थ्रू आप 2 MBPS के डाटा को वो मेरे कम्युनिकेट जो करा स्टेशन का सकते हैं। ओएफसी है ना सर, ओएफसी रूम, जो स्टेशन का ओएफसी रूम होता है टेलीकॉम जी का, आप नहीं लेंगे उसको हाँ मैं समझ सीधे। गया, मैं बात समझ गया। उसमें क्या है ना, वो नाम ब्लैक फाइबर दिया है, बस जस्ट लाइक ए फाइबर। क्यों फाइबर मैं बता देता है तो हूँ, फाइबर ही सर। हाँ हाँ क्यों फाइबर मैं बता देता हूँ क्या कंसेप्ट, कि अभी हम क्या करते हैं, अभी जो हमारे पास फाइबर यूज करने का जगह है, मैं 1 मिनट थोड़ा इसको हटा देता क्योंकि फ्रॉशर वालों की वही डिमांड रही सर इधर। हूँ, उसका फायदा मैं बता देता हूँ क्यों डिमांड हाँ करते हाँ हैं। हाँ एक सेकंड में बता देता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन ले आए। सर डार्क फाइबर और मतलब ब्लैक, मतलब फाइबर दोनों सेम है ना? उसी को तो डार्क फाइबर बोलिए चाहे ब्लैक फाइबर बोलिए, बात तो सेम है ना, क्या अलग है? नहीं सेम ही है, सेम ही है सेम सर, सेम, डार्क फाइबर ही है, डार्क फाइबर। हाँ अरे वही डार्क तो, फाइबर लगता एक ही है। चीज है, ठीक है। तो डिफरेंस भी है, देखिए हमारे पास क्या है, अभी जो हम फाइबर यूज करते हैं एट प्रेजेंट में, हमारे पास क्या है कि ये स्टेशन ए है, ये आपका स्टेशन बी है, ये आपका स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। तो स्टेशन ए और बी के बीच में जैसे मान लिया जाए ये टेलीकॉम की रूम है, यहाँ एक इक्विपमेंट लगी होती है जिसका नाम है एसटीएम। इसमें डिफरेंट इवन होते हैं, डिफरेंट इवन मतलब ये 2 MBPS डाटा का एक पोर्ट है और कुछ नहीं, एक पोर्ट है जिसमें 2 MBPS डाटा होती है। दूसरे स्टेशन में भी टेलीकॉम की एसटीएम है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट 2 MBPS की पोर्ट होती है, और एक एसटीएम में टोटल 63 पोर्ट होते हैं, 63 पोर्ट होते हैं, एक आपके जो इवन पोर्ट है। हम जो बीपीएससी चला रहे हैं, हमारे लिए रूम में एक बीपीएससी चल रही है, मान लीजिए हम अपनी बीपीएससी को ये वाली और ये वाली को ओएफसी पे चला रहे हैं, मान लीजिए ओएफसी पे चला रहे हैं, तो हमें जो अभी डाटा मिलता है हमारे इस मक्स में इवन पोर्ट नहीं है,
इवन पोर्ट नहीं है, टीएक्स आरएक्स का कम्युनिकेशन पोर्ट है ओनली, टीएक्स आरएक्स का कम्युनिकेशन पोर्ट है। तो इस टीएक्स आरएक्स के कम्युनिकेशन पोर्ट में अल्टीमेट अंदर जाना जो है वो इलेक्ट्रिकल ही है, दैट मींस की फ्रीक्वेंसी ही जाना है वो इलेक्ट्रिकल में। तो हम जो अभी चलाते हैं ओएफसी में, हम एसटीएम टू एसटीएम ओएफसी लाते हैं, या फिर इसके अंदर में आपको मीडिया चेंज ओवर लगाना पड़ेगा, जहां पे ओएफसी और क्वाड की इनपुट है बट आउटपुट क्वाड में ही है जो टीएक्स आरएक्स में जा रहा है, सिंपल सी जगह है। तो अब क्या है कि ये ओएफसी से ओएफसी तक यहाँ आया एसटीएम में, एसटीएम से जो आपका इक्विपमेंट के अंदर आप लेके जाएंगे उसके लिए आप यहाँ पे आपके पास लगा रहता है जिसको बोलते हैं पीडी बस, एक 2 Mbps के इथरनेट पोर्ट से पीडी बस कनेक्टेड रहता है। अब एक पीडी बस के पास टोटल 8 × 4 32 कार्ड होते हैं, मतलब 8 या 24 हो गया ना, 8 = 32, 32 32 करके, यानी कि एक कार्ड में उसके 4 चैनल बनते हैं, 1 2 3 4, 4 चैनल बनते हैं एक कार्ड में, ऐसे करके 8 कार्ड एक में है, इसके टोटल 24 कार्ड उसके रहते हैं। तो हमको 24 से मतलब नहीं, मक्स नहीं पड़ रहे हैं, तो 8 कार्ड है, एक कार्ड की जो एक चैनल है इसकी स्पीड होती है 64 kbps, 64 kbps एक चैनल की। तो आपके जो ओएफसी पे ये चैनल में जा रहे हैं, ये फिर यहां से ये 64 kbps लेके आपके मक्स को दिया जा रहा है, यानी अभी जो डाटा कम्युनिकेशन की स्पीड है आपके ओएफसी पे इक्विपमेंट को ऑपरेट कराने का, वो 64 kbps पे चलती है प्लस थ्रू एसटीएम चलती है। अब ये ब्लॉक फेल होने का चांस होता है कब कब, आइदर एसटीएम फेल ब्लॉक फेल, आइदर मक्स फेल ब्लॉक फेल, अगर ये जो मेन ओएफसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आया, एनएमएस से रिसेट मारा, आपकी ब्लॉक फेल, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जिसमें ये ओएफसी डिसकंटिन्यू होती है या फिर पीडी मक्स या फिर एसटीएम, और ये फेल्योर होता है। एप्ट्रॉनिक्स वाले ने उसे भी जगह बनाया, उन्होंने क्या किया, सेम चीज को अपने इक्विपमेंट में एक डायरेक्ट इवन पोर्ट डाल दिया। उन्होंने क्या किया, बोला हमें जरूरत नहीं है किसी चीज की, हम अपने इक्विपमेंट में ही इवन पोर्ट, जैसे कि आपका ईआई है, ईआई टू ईआई कम्युनिकेट करने के लिए एसटीएम की जरूरत नहीं होती है, इसमें भी इवन पोर्ट है, इसमें भी इवन पोर्ट है, या ईआई टू जो ओसी है आपका, इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, हमको एसटीएम चाहिए, सबके पास अपना इवन पोर्ट है, अपना डाटा खुद नेटवर्क, आप यहाँ से यहाँ ओएफसी डाल दीजिए या केबल, यहाँ से यहाँ ओएफसी या केबल डाल दीजिए। इन्होंने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने अपने इक्विपमेंट में इवन पोर्ट डाल के अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर दी। अब क्या है, ये बोलते हैं डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ अपनी, हमको सेपरेट ओएफसी दे दीजिए या सेपरेट 6 क्वाड दे दीजिए। तो क्या है कि इसका बेनिफिट कि ये ओएफसी डायरेक्टली रेल का हो गया, दैट इज देयर ओएफसी इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन और मेंटेन्ड बाय द रेल टेल, नॉट रिक्वायर्ड। आपकी सेपरेट सिर्फ यूएफएसबीआई की ओएफसी चैनल है, और इस चैनल्स को यूज करके आप अपनी मक्स को ऑपरेट कर सकते हैं, इसको किसी एसटीएम का, किसी भाया मीडिया का, किसी मक्स की जरूरत नहीं है। इसकी इथरनेट पोर्ट जो 2 Mbps स्पीड की होती है, 2 Mbps के डाटा के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, एंड ड्यू टू जो इतने सारे इंटरफ्रेंस के कारण नंबर्स ऑफ फेल्योर बढ़ रहे थे वो मिनिमाइज हो जाएंगे और आपकी एमबीपीएम बढ़ जाएगी। तो ये सिस्टम डेवलप किया और इसका नाम इन्होंने दे दिया डार्क या ब्लैक फाइबर, यानी आपके इस फाइबर से ये डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, इसको इस मेन फाइबर से, रेलटेल के फाइबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ दैट इज दिस, बाकी और कुछ समझ में आएगी तो अगले क्लास में या बाद में कभी और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप सर मैपल का भी मतलब यूज होता है ना, ना मैपल 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 इज द डिफरेंट थिंग्स, वो भी बता और इसमें जो देता चैनल बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे सर, है आपको। किसमें? ये जो एंड, ये जो अब डार्क फाइबर में नॉट रिक्वायर्ड, ये आपके इवन पोर्ट जो होता है ना, इवन पोर्ट का मतलब है जैसे आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इंटरनेट आप कैसे लगाते हैं, आपके पीछे एक ये आरजी दिया कनेक्टर से सर। हुआ है RS-232 पोर्ट दिया हुआ है, इस पोर्ट में आप कनेक्ट कर लेते हैं अपनी मॉडम का पोर्ट से साथ, यही तो है ना, यहाँ का डाटा है जो 50 या 100 Mbps, इसको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए, सेम थिंग्स यहाँ पर भी आपको इवन पोर्ट है, वो सेम RS-232 कही एक तरह से, ये इवन पोर्ट है,
यहाँ भी इवन पोर्ट है जो RS-232 है, यहाँ से यहाँ आप उसके साथ कम्युनिकेट कर दिए। तो अभी क्या है कि अगर OFC से RS-232 लेंगे तो आपको OFC टू कॉपर में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होती है कि आप इसे EI वाले में देखेंगे OFC का ही पोर्ट होता है, आप सीधा OFC के कपलर को उसके अंदर डाल दीजिए, आपको कुछ उसमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस पोर्ट को बोलते हैं E1 पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको चैनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नथिंग, कोई चैनल नहीं बनाना है। राकेश जी का कहना था कि सर उसको क्या बोलते हैं जो क्या बोले आप मैपल, मैपल कुछ नहीं, मैपल कुछ नहीं है आपका जो PD मक्स है, यानी एक तो हो गया STM मेन इक्विपमेंट, यहाँ से हो गया PD मक्स, इसमें 64 KB के चैनल बने होते हैं अलग अलग जितना आपको लेना है और नंबर ऑफ चैनल होते हैं इसमें, क्योंकि 8-8-8 करके जितने कार्ड लगाइएगा एक कार्ड में 4 चैनल बनता है। तो ये एक हो गया बड़ा इक्विपमेंट। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे सर्किट चल रहे हैं, बहुत सारे सर्किट चल रहे हैं, तो हो सकता है इसमें बार बार काम हो और STM के किसी कार्ड से वॉइस चैनल से अगर हम LVCD को चला रहे हैं तो ड्यू टू अदर वर्क ये हैंग हो सकता है या डाटा मिसमैचिंग कुछ मोमेंटरी सेकेंड के लिए हो सकता है, NMS में फंक्शन करेगा, कुछ मोमेंटरी डिस्टर्ब होगा, उस पीरियड में LVCD की डाटा कम्युनिकेशन जाएगी और ये ड्रॉप कर जाएगा। उसको बचाने के लिए एक और इक्विपमेंट लगाया। आप क्या करिए, एक E1 पोर्ट यहां से उठाइए, उस E1 पोर्ट के साथ में एक छोटा सा इक्विपमेंट जिसको जस्ट लाइक इट, ये मिनी मक्स ही है एक तरह से, बड़े मक्स का छोटा नमूना मिनी मक्स है, और इसमें आपके चैनल है 4 चैनल, 8 चैनल, ऐसे करके इस जो आपका मैपल है इसमें भी चैनल है 4 वायर 2 वायर, ऐसे करके इसमें भी अलग अलग है। 4 वायर मतलब एक 4 वायर का चैनल हो गया, 2 वायर का चैनल हो गया, आपको चलाना है एक आपका LVCD तो 2 वायर चाहिए, आपको चलाना है BPSC तो आपको 4 वायर चाहिए क्योंकि RX-TX चाहिए, तो ये 2 Mbps इसमें लेगा और डायरेक्ट ये कन्वर्ट कर देगा आपके 64 Kbps के चैनल में, आपका PD मक्स बाईपास हो गया, नॉट रिक्वायर्ड PD मक्स। इसका दूसरा एक फायदा होता है कि जैसे आपके सेल वाले में आया था ना 006 के बाद 007 का IC जिसमें लैगिंग टाइम बढ़ा दिया, इसमें मोमेंटली कुछ था कि मिली सेकेंड में भी ड्रॉप होगा तो सेक्शन ड्रॉप हो जाएगी, 007 में क्या किया उन्होंने उस मार्जिन को बढ़ा दिया थोड़ा कि शायद 20 मिली सेकेंड या 30 मिली सेकेंड है, इतना देर बर्दाश्त करेगा। इस MPIP जो मैपल है इसकी लैगिंग टाइम और बढ़ा दी गई है, मान लीजिए अभी पक्का तो नहीं बता सकता हूँ डाटा क्या, लेकिन मान लीजिए कि 2 सेकेंड तक के लिए अगर डाटा लॉस होती है तो ये इस सिस्टम को ड्रॉप होने नहीं देगा, इसके अंदर कुछ वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई। तो क्या है कि डायरेक्ट STM से अगर हम LVCD चलाएंगे तो NMS में रीसेट भी मारेगा तो ये LVCD ड्रॉप कर जाएगा, और अगर मैपल लगा के चलाएंगे तो उसमें क्या होगी कि अगर यहाँ पे NMS से रीसेट किया ये डाटा थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ तो ड्यू टू इस इक्विपमेंट के फीचर्स के अनुसार ये आपका डाटा कम्युनिकेशन फेल नहीं होगा उस मोमेंट्री सेकंड के बीच में और सेक्शन चलता रहेगा। दैट मीन सिग्नल के लैंग्वेज में कहिए जिसको स्लो टू रिलीज बना दिया कि पावर कटने पे भी रिले ड्रॉप ना हो, थोड़ा देर बर्दाश्त करे वो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैपल, मैपल इज द मिनी मक्स एक तरह से और कुछ नहीं। चलिए टेलकम की चीज है फिर भी कोशिश करते हैं कुछ समझा पाए। ओके सर, मीडिया चेंज ओवर भी लगा रहे हैं अभी साइजीनियस का कुछ जी, ये भी लगा रहे हैं सर मीडिया चेंज ओवर, मीडिया चेंज ओवर सब में है, हेलो में भी है, फिल वाले में भी है, मीडिया चेंज ओवर कुछ नहीं होती है। मीडिया चेंज ओवर दो टाइप की होती है, एक मैनुअल और एक ऑटो। मैनुअल वो है कि ऑटो लगा रहे हैं, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, मैनुअल वो होते कि आपने एक स्विच दे दिया है, आदमी गया इधर, इधर OFC की कनेक्शन है और इधर जो है क्वाड की कनेक्शन है और ये टू वे स्विच है, आपको जिधर जरूरत है आप सिर्फ मूव करा लिए, दिस इज द मैनुअल चेंजेबल। ऑटो मीडिया चेंजेबल एक मॉडर्न के टाइप का इक्विपमेंट बना दिया जिसमें दोनों इनपुट आए हुए हैं, ये 6 क्वाड की इनपुट है और ये OFC की इनपुट है और ये 2x1 पे फंक्शन करता है। दैट मींस कि ओ 6 क्वाड और OFC दोनों अगर फंक्शन कर रहा है तो भी ये आउटपुट देगा, और अगर दोनों में कोई एक भी फंक्शन कर रहा है तो भी ये आउटपुट देगा। दैट मींस कि दिस इज द मीडिया चेंज ओवर कि 6 क्वाड और OFC दोनों इसके अंदर गए हुए हैं, अगर ये काम करना बंद कर दिया तो सिस्टम आपका OFC पे चला दिया आपको, और अगर OFC में आपने काम करना बंद किया तो सिस्टम ऑटोमेटिक 6 क्वाड में चला गया
और आपकी इक्विपमेंट ड्रॉप होने से बच गए, फेल्योर बच गया। तो ये इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो मीडिया चेंजओवर। जैसे कि आपकी एक तरह से हॉट स्टैंड बाय कहिए इसको, हॉट स्टैंड बाय ईआई में होता है, सब जगह जैसा होता है इसी तरह हॉट स्टैंड बाय। यहां आपको मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, ओके। चलिए तो शुभ रात्रि सबको, बहुत बहुत धन्यवाद भी, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि वो सिल्वर बटन आज हमारे घर तक पहुंच गया है। आप लोगों को बहुत, आप लोगों की मदद से एक तरह से आया है ना, पढ़ाने में इतना जुड़ते ना, कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब में डालते रहते और सब्सक्राइबर बढ़ते। अंततः क्या है कि आज फाइनली हमारे पास सिल्वर यूट्यूब का बटन आ गया है, तो एक यूट्यूब की तरफ से भी रिवार्ड मिल रहे हैं आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। तो आप लोग के सहयोग से आया तो बताना जरूरी है, चलो बता दिया जाए। बाकी ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है कुछ समय में गोल्डन बटन भी आ जाए, उसके लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर की जरूरत है, अभी 200K तक गए हैं। आएगा सर वो भी, चलिए देखा जाएगा, लगे हुए हैं कुछ, इससे एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहे हैं, बस यही कि शाम में अभी सोते उसके जगह आप लोग के साथ जुड़े रहते हैं, इसके अलावा कुछ और विशेष तो करते नहीं है। चलिए बढ़िया है, दुआ दवा आप लोग की लगती रहेगी तो आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी सरकारी नौकरी वाला कहाँ सोच सकता है कि खाली टाइम में हम ये सब करें और कुछ और भी कर लें, संभव नहीं है। जो भी हो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट सर।